हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि मम्मी ने मेरे को फोर्स करा शेव करने के लिए, तो मैं शेव जो करता हूँ मैं उस तरह से करता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं उस तरह जो है खतरनाक चीज़ है, इसको बहुत 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 केयरफुल यूज़ करना पड़ता है। आपका हाथ थोड़ा सा टिल्ट हुआ तो ये बहुत गहरा जख्म करता है। मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम से मैंने उस तरह से शेव करा है। मैं जब शिप में था तो वहाँ पर मुझे ना उस तरह से आदत पड़ गई शेव करने की। मेरा दोस्त करता था तो मैंने उसको कहा कि उस तरह से क्यों करता, उसकी वो काम क्या है ना बहुत क्लियर शेव होता है और इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होती कि बाल बीच में फंस गए या कुछ हो गया। तो मैंने भी लिया, फिर लेने के बाद फिर जब मुझे इसकी आदत पड़ी तो मैं किसी का आदि हो गया। मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें जो ब्लेड लगी है, ब्लेड अगर ये ब्लेड थोड़ी सी और बाहर हो जाए, अंदर ना हो और बाहर हो जाए तो ये बहुत डीप कट करता है। अगर हल्का सा आपका हाथ टेढ़ा हुआ तो ये आपको बहुत ज़्यादा डीप कट करेगा। और अंदर कर उतना कट हो गया। मैं कभी भी शेविंग क्रीम यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे शेविंग क्रीम से एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले पानी से पूरे फेस की मसाज करता हूँ। अच्छे से रगड़ लो, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सर्दियों में क्योंकि बाल बहुत ज्यादा कैरी हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो उसमें जब खाली उसको उस तरह चलाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, खिंचता है।
अच्छे लग रहे हो शेव करके, तो ये हो गया भाई हमारा शेव। वो दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही थी। अच्छा आप खुश हो? अब हम खुश हैं, बहुत खुश हो। हाँ। अब बाल रह गए हैं थोड़े काटने। I am happy। अरे वाह क्या बात है, अब मैं हो गया पहले बूढ़ा था, अब जवान हो गया। अब जवान हो गया, अब कम उम्र का लग रहा है। अच्छा ठीक है, तब ज़्यादा उम्र का लग रहा था, अब उम्र कम वाला लग रहा है, जवान लड़का लग रहा है। वाह क्या बात, पहले बूढ़ा हो गया था, बूढ़ा बूढ़ा बाबू जी, बूढ़ा बाबा। चलो बस ठीक है, बाय बाय कर दो अब। हेलो दोस्तों, अभी कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताएं हमें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय बाय।